कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। माइनिंग को लेकर ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, होना चाहिए था कोविड, लेकिन कोविड के विषय के अंदर कल बात करूंगा। और माइनिंग को लेकर के जो सारी परिभाषा आज प्रारंभ हुई है, वो जो बताई जा रही है वो है नहीं, और जो है वो बताई नहीं जा रही। मैं पिक्चरों के माध्यम से जो श्रीमान डीएमओ ये दावा करने का प्रयास करना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है, ये क्रेशर वाले लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कल कुछ एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया, उसकी काफी बार आ जाएगी, कुछ स्टे हुआ है, वो लिखित रूप के अंदर आपके सामने आएगी, मैं उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन तवी के अंदर जो हाई कोर्ट ने पाबंदियां लगाई, वो पाबंदियां कभी जिंदगी के अंदर लागू नहीं हुई। आज भी फोटो के माध्यम से आपको बताऊंगा, फोटोएं लाया हूं मैं, मैंने मेहनत करी है भाई। श्रीमान डीएमओ महोदय 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000 उस पर नहीं जाऊंगा मैं। राजनीति अलग विषय है, किसी का आरोप प्रत्यारोप के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन सच्चाई क्या है, धरातल क्या है, हाई कोर्ट की पाबंदियां लागू क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो वो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो कुर्सी पर बैठ करके इस सारी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को ईमानदार कहने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं किसी की ईमानदारी पर डाउट और शक नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, और ये फोटोएं कहेंगी, कृपया करके श्रीमान अभिषेक जी फोटो दिखाने का प्रयास करें, ये तभी की फोटो है सारी। मांग करना चाहता हूं अभी भी, ये सुबह की चाहते हैं, हम बड़े सुरक्षित हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े साफ हैं, हम सही हैं, ये फोटोएं उसका दावा करने का प्रयास करना चाहती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कहना चाहता हूं, कृपा करके जो हमारे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ डिविजनल कमिश्नर हैं, आईजी जम्मू हैं, उनसे कहना चाहता हूं, कृपा करके डिप्टी कमिश्नर जम्मू कार्रवाई करने का प्रयास करिए। जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास नहीं करना चाहते, जो लोग कुर्सी पर बैठ करके जिनकी देखरेख के अंदर इतने बड़े ट्रैक्टर, अरे भाई 300 की बजरी का एक ट्रॉली 3,000 रुपए की हो गई और 1200 वाला ट्रक 12,000 रुपए का मिल रहा है, ये कौन सा ट्रक खनूर वाला है, कौन सा ट्रक ज्योड़िया वाला है, इसकी पहचान कौन करने का प्रयास कर पाएगा? इसके विषय के अंदर अभी तक डिपार्टमेंट माइनिंग जिसे कहते हैं, क्या कोई रसीद और पर्ची, क्या कोई ऐसा चस्पा करके कि जैसे अमरनाथ यात्रा के अंदर हम गाड़ियों को लगाते थे, ये ट्रक नंबर 365 ये वहां से चला है, 368 आने वाला है, इस तरह की व्यवस्था की पालना को डिपार्टमेंट के माध्यम से नहीं हुई। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, हर एक व्यक्ति जो माइनिंग का विषय आज चल रहा है, जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं उन पर आरोप लगाने का प्रयास करना चाहता हूं, वो इसके अंदर शामिल हैं, और जो शामिल हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, और वो सारी जवाबदेही जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग यहां बैठे हुए उनको करने का प्रयास करना होगा। और दायित्व किसका है, निर्वाह किसका है, जिम्मेवार कौन लोग हैं, ये सियासतदानों पर आरोप करके, सियासतदानों को आरोप लगा करके और अपने झुग्गे को साफ करने का प्रयास करने वालों, मैं बड़ा तात्विक कह रहा हूं, इसके बाद में एक और सीरीज निकालूंगा और वो सीरीज आपकी आंखें खोल देंगी कि ये क्या क्या घटना इस स्थान पर घटने का प्रयास हो रहा है, और जो बातें बताई जा रही है वो है नहीं, और जो है नहीं वो बताने का प्रयास नहीं हो रहा। इसलिए मैं माननीय एडिशनल कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और आईजीपी जम्मू से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये फोटोग्राफ भी उनको भेजूंगा कि ये कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, और जो अधिकारी आज कुर्सी पर बैठ करके ये बात कहने का, डीएमओ को कह रहा हूं मैं, स्पष्ट करने का प्रयास, ईमानदारी, मुझे नहीं मालूम ईमानदारी होगी, मैं किसी की ईमानदारी पर डाउट भी नहीं कर रहा, लेकिन फोटोग्राफ जो बता रहे हैं वो ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और उस पर बलि का बकरा
अगर किसी को बनाने का प्रयास होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग इसके विषय के अंदर जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई करो, उनको पकड़ करके दंडित करो। अगर बजरी वाले, रेता वाले, क्रेशियर वालों को आप 80-80 लाख रुपया ठोक सकते हो, तो वो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिनके कारण करोड़ों रुपए की बजरी और रेता तभी से आज भी निकल रहा है, उनके ऊपर पेनल्टी कौन लगाएगा, उन पर कार्रवाई कौन लगाएगा, इसके विषय के अंदर प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना पड़ेगा और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। अशोक जी, जिन कहता हूँ जैसे मैंने तथ्य दिए, जैसे मैंने फोटोग्राफ दिया, अगर उनके पास कोई फोटोग्राफ हो तो ये मांग करने का मुझे नहीं लगता कोई विरोध है, होनी चाहिए, लेकिन तथ्य बात चाहिए। मैं आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने का अगर प्रयास करता हूँ, तथ्य मेरे पास है, तो फिर तो मुझे लगता है रिजाइन देने का इमीडिएट हल है। और अगर तथ्य नहीं है, बिना तथ्यों के, आज मैंने तथ्यों को लेकर के बात करी, कोई व्यक्ति, मैं बताऊंगा वो रास्ता यहां से आ रहे हैं, मैं उनको रात को ले जाऊंगा, अरे दिन दहाड़े दोपहर के बाद 2 बजे, मिली भगत के कारण ये सारी व्यवस्था की पालना हो रही है। और वे जो डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट, ये उनके साथ शामिल है, ये भी कहने का प्रयास। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।